नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्विक प्लेक्स रेडियो पर। मैं हूं चार्ली और मेरे साथ संजय बबलू जी। आज एक खास चर्चा लेकर आप सभी के बीच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। हाल ही में T20 और ODI सीरीज खत्म हुई है। कल अंतिम और तीसरा T20 मैच था कोलंबो में, जहां श्रीलंका ने इंडिया को 7 विकेट से हराया और सीरीज 2-1 से जीत ली। इससे पहले ODI सीरीज हुई थी 3 मैचों की, उसे इंडिया ने 2-1 से जीता था। यानी कि बात करें, अगर हम दोनों सीरीज को कंपेयर करें तो एक सीरीज इंडिया ने जीता, एक श्रीलंका ने जीता, यानी सीरीज बराबरी पर रही। लेकिन यहां पर मुकाबला था दो बराबरी की टीमों में। एक तरफ श्रीलंकाई टीम युवा खिलाड़ियों से भरी हुई थी, दूसरी तरफ इंडियन स्क्वाड भी युवा खिलाड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशन थी हम सभी की कि युवा खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ेंगे पूरे सीरीज में, ऐसा नहीं के बराबर देखने को मिला। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं चार्ली, मेरे साथ संजय बबलू जी। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया चार्ली। तो इस सीरीज में शिखर धवन को पहली बार बतौर कप्तान प्रोजेक्ट किया गया था, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी जो थे बाकी टीम के वो इंग्लैंड के दौरे पे हैं। युवा खिलाड़ियों से सजी टीम को श्रीलंका भेजा गया। टीम ODI सीरीज जीती और T20 सीरीज हार गई। इस पूरे सीरीज में शिखर धवन की कैप्टेंसी को आप कैसे देखते हैं? बतौर कैप्टन वो कितने सफल रहे, कितने मार्क्स देंगे आप उनके कैप्टेंसी को? बिल्कुल चार्ली, अगर आप देखें तो एज ए कैप्टन शिखर धवन काफ़ी बढ़िया उन्होंने वर्क किया। चाहे वो उनकी आप बैटिंग की बात कर लें तो बहुत अच्छा लगा जी। ODI में भी उन्होंने बढ़िया खेला, T20 में भी उन्होंने रन बनाए। इवन कई बार आपको जब अच्छी टीम मिलती है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन यहाँ पे यंग टीम थी और ODI में जिस तरह से शुरुआत की थी, लगा था कि भारत शायद तीनों ODI जीतेगा जी। तो मेरे ख्याल से शिखर धवन ने बहुत बेहतर काम किया। बॉलिंग को जिस तरह से एनालाइज किया, बॉलर्स को जिस तरह से यूज़ किया उन्होंने जी, और वो बहुत अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव था। और कहीं ना कहीं झलका है उनकी कप्तानी में कि जीतने की एक जज्बा था। तो कप्तान के तौर पे तो मैं ये मानता हूँ कि वो काफ़ी सफल रहे, लेकिन जब तक टीम 11 पूरा काम नहीं करती है, पूरा आप एक टीम कॉम्बिनेशन जो होता है, टीम एफर्ट वो भी होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये टीम के साथ जो एक घटना हुई है, मेरे ख्याल से जो अगर हम ODI की बात करें तो तीसरे में डेब्यू किया, काफ़ी खिलाड़ियों ने 5 और 6 चेंज हुए थे जी, तो उसको लेकर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक इतने अचानक खिलाड़ी बदलने से भी एक जो टीम का बैलेंस है वो गड़बड़ हुआ था। और T20 में कृणाल पांड्या का पॉजिटिव होना, उसके साथ जो खिलाड़ी संपर्क में आए थे उनको आइसोलेशन पे जाना, फिर वो जो एक्सपीरियंस होता है वो लैग कर गया। अदरवाइज सूर्य कुमार ने जिस तरह से स्टैंड किया था वो बहुत ही गजब का था। मैं शिखर धवन को यहाँ पे ये मानता हूँ कि वो सफल रहे एज ए कैप्टन, लेकिन यंग ब्रिगेडियर ये जो टीम थी उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी रह गई। डेफिनेटली मैं बात करूंगा यहाँ पर देवदत्त पडिकेल की, मैं बात करूंगा नीतीश राणा की, स्पेशली नीतीश राणा की बात मैं करना चाहूंगा। और ऋतुराज गायकवाड़ ने छाप छोड़ने की कोशिश की, हालांकि पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे। तो युवा खिलाड़ियों में क्या कमी आपको दिखी? टेक्निक की कमी, क्लास की कमी, या क्या कमी दिखी आपको? देखिए, पहली बात तो जब आप IPL खेल रहे होते हैं, आप ज़्यादा मैच खेले हैं, एक्सपीरियंस है। नीतीश राणा की मैं बात कर लूँ तो उनका तो सबसे बड़ा यही रहा सेटबैक कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो उसको लेकर वो मैं समझता हूँ टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए था। नीतीश राणा अमूमन तीसरे या चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं और हमने देखा कि इस श्रृंखला में वो 5वें और 6वें नंबर पर आ रहे हैं जी। तो ये जो मैं समझता हूँ कि उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर था, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है। नीतीश राणा का जो पोजीशन था वो नंबर 3 या नंबर 4 पे वो बेहतर खेलते हैं जी। हालांकि कुछ यंग खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, जिसमें सूर्य कुमार यादव हैं, और मैं समझता हूँ ईशान किशन ने अपने पहले मैच में जो अर्धशतक लगाया ODI में वो कमाल का था जी। तो उसके बाद जो कंसिस्टेंसी होती है, जो लगातार खेलने की क्षमता है, वो होना ज़रूरी हो जाता है। आप एक मैच खेलकर ये नहीं है कि आप अगले मैच में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे, आपके प्रदर्शन में लगातार वो परफॉर्मेंस आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि खिलाड़ी जो है चमके ज़रूर हैं ईशान किशन पहले मैच में, लेकिन वो उनकी गाड़ी जो है आगे बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ी। संजू सैमसन एक मौका उनको मिला काफ़ी अरसे के बाद, लगभग मैं समझता हूँ कि ये कह लीजिए कि 2 साल के बाद उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई। फिर भी ये ODI की बात कर रहा हूँ मैं, T20 में उन्होंने पहले भी खेला है जी,
और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा अगर एक मौका मिलता है उस मौके को भुनाना चाहिए था। संजू सैमसन स्टार्ट बड़ा अच्छा करते हैं, मैं बात करना चाहूँगा आईपीएल में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल गया है लेकिन उसको आपको कन्वर्ट करना होगा एक बड़ी पारी में, तो संजू सैमसन इसीलिए शायद इतना बेहतर नहीं रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यंग टीम थी, परफॉर्मेंस आना चाहिए। राहुल चहर का परफॉर्मेंस इस बीच बहुत अच्छा रहा, काबिले तारीफ बॉलिंग की है। सो ओवरऑल जो डेब्यूटेंट खिलाड़ी थे वो निखार बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। जी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी टीम इंडिया में दिखी है। तो क्या हम ये माने कि अनुभवी खिलाड़ियों के अभाव में अभी जो ये टीम इंडिया का बी, टीम इंडिया बी मैं अगर इसको नाम दूं या फिर यूथ ब्रिगेड नाम दूं, ये बड़े मैचेस जीतने में अभी सफल नहीं हो रही है, इनमें मादा नहीं है जीतने का, क्या इनमें से कुछ खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में खिलाया जाने का फैसला किया जाए तो क्या वो सही साबित होगा, या कैसा आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जी आपने सही कहा, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। सो आई थिंक अभी बहुत कुछ सीखना है उनको, आईपीएल आने वाला है सितंबर में, वहाँ से भी आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ, चयनकर्ताओं के लिए एक टफ टास्क है कि वो आपकी जो प्लेइंग 11 है वो कितना बेहतर रखते हैं, जो एक सदस्यीय टीम होती है, और ये देखने वाली बात होगी, एक टफ टास्क तो ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब T20 की बात होगी तो उसमें बेहतर खिलाड़ी भारत से जाएंगे। और एक चीज़ कि श्रीलंकाई टीम में भी युवा खिलाड़ी ज़्यादा थे, उनकी भी युवा टीम थी, इंडिया की भी युवा टीम थी, तो दोनों टीमों को अगर हम तुलना करें आपस में तो क्या बेहतर निकल के आया है टीम इंडिया के लिए और क्या बेहतर निकल के आया है श्रीलंका के लिए, दोनों टीमों की तुलना में आप किस टीम को कहाँ पाते थे? देखिए चार्ली, मैं तो यही कहूँगा कि बॉलिंग अगर आप बात करें तो भारत से काफ़ी बेहतर थी जी श्रीलंका की, चाहे वो ODI की बात हो या T20 की, नो डाउट। सो आई थिंक आप हसरंगा को देख लें, उसके बाद अकीला ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, चमीरा तेज गेंद से बड़ा अच्छा कमाल की बॉलिंग की, शुरू में विकेट निकालते थे वो। लेकिन बैटिंग भारत की स्ट्रांग थी, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ, जैसे जैसे मैच आगे गए भारत की बैटिंग भी लो हो गई, 225 बनाए उन्होंने आखिरी ODI में, उसके बाद पहले T20 में 160 के ऊपर बनाया और दूसरे T20 में कम और तीसरे में तो बिल्कुल कम। तो श्रीलंका ने बॉलिंग अच्छी की, बाद में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, तो ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा श्रीलंकन टीम को। वेल, अगर इस टीम में एक चेंज करना हो T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से तो आपकी तरफ से क्या सुझाव आप सजेस्ट करेंगे, और क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि टीम चाहे एक्सपीरियंस हो या फिर युवा टीम हो, एक ऑलराउंडर की कमी टीम में हमेशा से खाली है, इस सीरीज में स्पेशली ये चीज़ देखने को मिली हमें, तो एक तो ये कि ऑलराउंडर की कमी, और दूसरा अगर T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से टीम को डिज़ाइन किया जाए तो आपकी तरफ से क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे इस टीम में? देखिए, बहुत अभी मौके हैं, IPL है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो है, इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके अलावा KL राहुल, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, सूर्य कुमार, तो एक बैलेंस तो है टीम में जी। क्या इसमें यंग टैलेंट खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी, पर मेरा अभी भी मानना है कि टीम मैनेजमेंट जो चयन करता है ये जरूर सोचेंगे कि सूर्य कुमार यादव और बॉलिंग में राहुल चहर ये विकल्प के तौर पे रखे जा सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में। जी डेफिनेटली, ओवरऑल अगर जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँ मैं, इस पूरे सीरीज में टीम इंडिया के लिए क्या प्लस था क्या माइनस था, इन एक ब्रीफ आप बता दें। बहुत कुछ सीखने को मिला, शिखर धवन की कप्तानी बहुत अच्छी लगी जी, और मैं तो कहूँगा विद द बैट, यानी बैट से भी उन्होंने कमाल किया, एक्सपीरियंस था उनके पास, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने झोंका, लेकिन कई बार आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि यंग खिलाड़ी थे उनको मौका मिला जरूर लेकिन वो मौके को भुना नहीं पाए, तो ये जरूर रहा। T20 हारे जरूर है श्रृंखला, लेकिन ODI में उन्होंने कमाल की बैटिंग की और बॉलिंग की। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो डेब्यूटेंट खिलाड़ी थे, अचानक इतने ज़्यादा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी जो खेले, हम उनसे यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद उसमें से एक दो ज़्यादा बेहतर कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नीतीश राणा फेल रहे हैं जैसा मेरा मानना है। सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई दो राय नहीं, और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जितने डेब्यू खिलाड़ी किए, कल संदीप वॉरियर्स की बात कर ले, तो जब आप मौका मिलता है उस मौके को आप क्लिक कर जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा बहुत हुआ नहीं खिलाड़ियों के साथ, सीखने को मिला है और उम्मीद करते हैं जब वो IPL में खेलेंगे और वहाँ सीखेंगे, और कहीं ना कहीं शिखर धवन की कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी चार्ली। वेल, इस डिस्कशन से यही बात सामने आती है कि टीम इंडिया को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, ODI सीरीज हमने जीती, T20 सीरीज भले हार गए, हालांकि T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से ये हार अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी युवा खिलाड़ियों को, और ऐसे में
सामने जब आईपीएल है, आईपीएल में पॉलिश हो जाएंगे खिलाड़ी काफी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी जो कुछ भी ड्रॉबैक इस टीम में रहा है, उम्मीद है कि आईपीएल में जितना भी खिलाड़ी खेलेंगे वो सब दूर हो जाएगी और टीम इंडिया जो यूथ ब्रिगेड है इनमें से कुछ खिलाड़ी इतने तैयार जरूर हो जाएंगे कि वो टी20 में टीम इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर पाएंगे। वेल, ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए क्विक प्लेक्स ऑफिशियल और वहाँ पे हमें इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। धन्यवाद।